हेलो एवरीवन। तो हमारे अभी तक के जितने वीडियोस हैं हमने उनमें साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, तो फिलहाल उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेक देते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे फिलहाल मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो उसमें भी सबसे पहले हम नंबर्स पे बात करेंगे। ठीक, तो नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स जनरली कोई भी साइन, सिंबल या वर्ड्स कह लो जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या करने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, या कैलकुलेशन और काउंटिंग करने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं उनको हम नंबर कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो किसी भी चीज का हिसाब रखने के लिए, किसी भी चीज को गिनने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं उसको हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो नंबर्स का जो एवोल्यूशन है वो ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन ने अर्ली मैन स्टेज से प्रोग्रेस करनी शुरू करी, तो वहीं से नंबर्स का भी जो है प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। पहले उनको अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता था, धीरे धीरे करके उनको अलग फॉर्म मिली और फिर आते आते वो जो अब उसकी प्रेजेंट फॉर्म उसको अब जाकर मिली। ठीक है, तो नंबर्स को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, और ये फिर फर्दर और क्लासिफाई होता है। तो नंबर्स को बेसिकली रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं नंबर लाइन क्या होती है। एक लाइन, ठीक है, जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं। सेंटर में हमने जीरो रिप्रेजेंट किया, इसके राइट में हम सारे पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा और ऐसे ही इस तरफ को भी हमारे नंबर्स होंगे -1 -2 -3। ठीक है, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक, तो ये कहीं तक भी जा सकता है इंफिनिटी तक और इधर भी कहीं तक भी जा सकता है इंफिनिटी तक, नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में। तो जितने नंबर्स इस लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, अभी इस बेसिक टॉपिक का अभी पार्ट नहीं है, बात करते हैं अभी रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रियल नंबर्स फिर फर्दर क्लासीफाई होते हैं रैशनल नंबर में और इरैशनल नंबर में। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होता है अगर उसकी आप डेफिनेशन देखोगे तो कोई भी एक नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जहां पे क्यू जीरो ना हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है इसकी जो आपने पढ़ी भी होगी शायद। तो पी बाय क्यू का मतलब कुछ नहीं है, पी और क्यू दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी भी यहाँ पे कोई नंबर है और क्यू भी यहाँ पे कोई नंबर है। ठीक है, बस क्यू जीरो नंबर नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे नीचे। ठीक, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख पाए वो हमारा रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए मैं 1/2 लिखूं तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा पी, या पी को रिप्रेजेंट कर रहा 1, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख लूं -1/2 तो यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट कर रहा है -1, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। मैं सिंपली 2 लिखूं तो 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर हो तो उसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे हमेशा वो नंबर वही रहता है। तो ये p की जगह पे हो गया 2, q की जगह पे हो गया 1। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है। कोई नेगेटिव नंबर लिख लूं तो भी वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं और पी बाय क्यू की फॉर्म में ये फिर रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ रैशनल नंबर को डिनोट करने का। ऐसे अगर इरैशनल नंबर को देखें इसी टाइप से, तो जो भी नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए जैसे √2। ठीक है, अब √2 इरैशनल क्यों है, क्योंकि अगर इसको मैं अपॉन 1 भी कर लूं तो ये √2/1 तो हो गया यहाँ पर, लेकिन ये पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट में और यहाँ पे पी नहीं है अंडर रूट में। ठीक है, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोई भी नंबर अगर रूट में है तो वो इरैशनल ही होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए देखें √4 को, तो √4 को अगर आपको बताओ तो √4 को मैं रूट से बाहर निकाल के 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं और ये फिर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये इरैशनल नहीं है।
तो जो रूट फोर होगा वो इरेशनल नहीं है, तो सिर्फ वही नंबर इरेशनल होंगे जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो रैशनल और इरैशनल को डेसिमल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डेसिमल के टर्म्स में अगर हम देखें तो रैशनल नंबर वो है जो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 4 1, यहाँ पॉइंट लगा 0, 2 5 10, तो ठीक है, अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया पॉइंट के बाद। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, बोलने का मतलब वो कहीं खत्म तो नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन वो लास्ट में उसके डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर 20 को तुम डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है, 20 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 6 18 बचा 2.020, फिर से 3 6 18, फिर से क्या बचेगा 2, फिर 0 आएगा, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कहीं खत्म ना हो, नेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो साथ में, लेकिन क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहे हो उसके डिजिट, ठीक है, रिपीटिंग कह लो या रियकरिंग कह लो, ठीक। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई नंबर, या तो ये वाली कर रहा है या तो ये वाली कर रहा है, तो वो रैशनल नंबर है। एक और इरैशनल नंबर को देखें तो इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक, कहीं खत्म ही नहीं होंगे ये, एंड नॉन रिपीटिंग भी होंगे या नॉन रियकरिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नंबर है मान लो 5.12345 6, और ये कहीं खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नंबर कहीं खत्म भी नहीं हो रहा है, इसमें सारे नंबर अलग अलग भी आ रहे हैं, ठीक, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वही फर्दर आगे क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। तो आगे फर्दर क्लासिफाई होता है ये होल नंबर में, नेचुरल नंबर में और इंटीजर्स में, ठीक है। तो होल नंबर्स वो नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3, और ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से ही स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक, 1 2 3 4, और ऐसे करके ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। अब अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में दो टाइप के नंबर होते हैं, ठीक, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स ही फर्दर क्लासिफाई होता है पॉजिटिव इंटीजर्स में और नेगेटिव इंटीजर्स में। तो नंबर लाइन पे जितने भी नेगेटिव नंबर हम लिख पाते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स में आ गए, और जितने भी हम पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो सब पॉजिटिव साइड में आ गए, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी हम नंबर पॉजिटिव साइड में लिखते हैं यहाँ नेगेटिव नंबर आ गए, -1 -2 -3, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स में आ गए, ठीक। अब इसमें भी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो फिर फर्दर क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को ही फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑड नंबर्स में, इवन नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो भी नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो भी नेचुरल नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो 2 4 6 8, और ऐसे करते करते हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, मतलब किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक, या ऐसे कह सकते हो वो किसी और के टेबल में नहीं आते, ठीक है।
या किसी और का वो मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर हो गए, जैसे आपका हो गया 2, ठीक, और 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके 7 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे नंबर है। कंपोजिट नंबर वो हो गए जो प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने बाकी नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर है। बस एक चीज याद रखना, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर हो गए। तो इसमें आ गया आपका 4 आ गया, 6 आ गया, 8 और बाकी जितने भी होंगे फिर आगे 9, तो वो सब कंपोजिट नंबर में आ गया, ठीक। तो अब मैं आपको एक फिगर के थ्रू ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा ताकि आपको नंबर्स के बारे में पूरी पिक्चर क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर आ गए सारे के सारे इसके अंदर, ठीक है। मैंने ये कंसिडर कर लिया कि इस सर्कल के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर ही इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी ये सारे के सारे ऐसे नंबर इसके अंदर आ गए, ठीक। अब मैं इन्हीं नंबर्स में एक जीरो और इंक्लूड कर लूं, तो अब इसको हम होल नंबर्स कह देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कह देंगे, होल नंबर, ठीक है। अब इन्हीं नंबर्स में ये सारे पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, तो मैं थोड़े से नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लेता हूं, ठीक है, मैं थोड़े से नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लेता हूं, -1, -2, -3 ये सब। तो अब ये पॉजिटिव नंबर भी हो गए और नेगेटिव नंबर भी हो गए, तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, इंटीजर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये कैटेगरी हो गई, ये इंटीजर्स की कैटेगरी होगी, ठीक है, इसके अंदर ये पॉजिटिव नंबर भी आ गए सारे और नेगेटिव नंबर भी आ गए, ठीक। अब क्या करता हूं, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी इंक्लूड कर लेता हूं। अब मैं इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर इंक्लूड कर लेता हूं, तो ये जैसे मैंने -1/2, 5/3 ऐसे एक आधा नंबर और -4/3, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। तो अब क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो गए हैं, तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो यानी रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक ठीक है। तो रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, और ये फ्रैक्शन भी आ गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूं, कुछ नंबर्स जो मेरे पास रैशनल बचते हैं वो उनको मैं अलग लिख लेता हूँ, √2, √3 ऐसे करके जितने नंबर होते हैं, तो ये इरैशनल वाले नंबर मैंने अलग से लिख लिए, ठीक। अब इनको और इनको जिस चीज के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, यानी रियल नंबर में ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैं अब इन सबको इंक्लोज कर लूं एक सर्कल के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा।